नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि ये हमारे चैनल अल्फा बीटा ऑनलाइन क्लासेस की पहली वीडियो है, वादे के मुताबिक आज की जो वीडियो है ये प्रॉपरली मैथमेटिक्स के एक टॉपिक पे रहेगी। और आज का जो टॉपिक रहेगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज हम प्रोबेबिलिटी करेंगे प्लस टू का चैप्टर नंबर 15। और इसके अंदर हम आज की क्लास के अंदर सीखेंगे बेसिक्स लाइक प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाए, और क्या ट्रिक्स हैं, क्या कीवर्ड्स हैं, स्टेटमेंट को कैसे पढ़ा जाए, किस तरह से किया जाए, वो सब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, आपको लगता है कि आपने कुछ आज की वीडियो से सीखा, तो जाते जाते प्लीज हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। चलो तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हिंदी में प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं संभावना। किसी भी चीज के होने या ना होने दोनों की, कई बार हम ये कहते हैं कि किसी चीज के होने की संभावना प्रोबेबिलिटी है, नहीं, होने की या ना होने की दोनों ही चीजों की जो संभावना है वो प्रोबेबिलिटी में आएगी। जैसे आज क्या चांसेस हैं कि बारिश होगी या क्या चांसेस हैं कि बारिश नहीं होगी, वो सारी कैलकुलेशन भी प्रोबेबिलिटी के अंदर ही पड़ते हैं। प्रोबेबिलिटी की जो शुरुआत है वो एक वर्ड से होगी और उस वर्ड का जो नाम रहेगा वो है ट्रायल। सबसे पहला वर्ड जो कि अपना प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ना पड़ता है, दैट इज ट्रायल। ट्रायल क्या है? व्हाट इज अ ट्रायल? ट्रायल इज नथिंग बट अ प्रोसेस। ट्रायल क्या है और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमें ये तो पता है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लेकिन वाक्य में क्या होगा ये नहीं पता होता। दूसरी बात, जो भी ट्रायल होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग गली क्रिकेट खेलते हैं और पहले मैं बैटिंग करूंगा, आप लोग बॉल करोगे, बॉल थ्रो करोगे, तो उस केस में मेरी डिमांड है कि ट्रायल फेंको। अब ट्रायल कितनी बार फेंकेंगे? ट्रायल हम एक बार फेंकेंगे। तो कोई भी प्रोसेस जो कितनी बार की जाए, एक बार की जाए, उसे ट्रायल बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि ट्रायल के आउटकम्स हमें पता होते हैं बट हमें रिजल्ट का पता नहीं होता, क्योंकि रिजल्ट प्रोसेस टर्मिनेट होने के बाद होता है और जो आउटकम होते हैं वो हमेशा सही होते हैं, वो हमें प्रोसेस के शुरू होने से पहले भी पता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने ट्रायल बॉल फेंकी, अब उस पे क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि मैं 4 हिट करूं, हो सकता है मैं 6 हिट करूं, या हो सकता है मैं बोल्ड हो जाऊं, आउट हो जाऊं, ऐसे बहुत सारी संभावना है, वो हमें सभी पता है। लेकिन जब तक आपकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो रिजल्ट हमारे लिए प्रोसेस के टर्मिनेट होने तक अननोन रहेगा। तो फिर ये समझ आया कि ट्रायल क्या है। ट्रायल कोई भी प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ एक बार की जाएगी, जिसके अंदर हमें आउटकम्स तो शुरू से पता होते हैं लेकिन रिजल्ट जो होता है वो हमारे लिए क्या रहेगा, अननोन रहेगा। और हम इस तरह से की जाने वाली एक प्रोसेस को जो सिंगल टाइम करी जानी है ट्रायल को। अब ट्रायल के अंदर दो चीजें आ चुकी हैं, एक तो आ चुका है आपके पास में आउटकम, एक आ चुका है रिजल्ट। तो ये आउटकम क्या है और ये रिजल्ट्स क्या है। अब आउटकम की अगर बात करें तो आउटकम किसी भी प्रोसेस के अंदर इंक्लूडेड वो पॉसिबिलिटीज हैं जो हैपन हो सकती हैं, जो घटित हो सकती हैं। जैसे एक सिक्का है, उसको उछाला जाए तो सिक्के को उछालने पे हो सकता है हेड आ जाए, या हो सकता है कि टेल आ जाए, हो सकता है कि हेड आ जाए या हो सकता है कि टेल आ जाए। तो ये वो पॉसिबिलिटी हैं जो कोई प्रोसेस इंक्लूड कर रही है। और यहाँ पे जो प्रोसेस है वो है कि सिक्के को उछालना है। तो सिक्के को उछालने नाम की जो प्रोसेस है वो दो आपके पास में पॉसिबिलिटीज को इंक्लूड करती है। और वो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। लेकिन आएगा तो इनमें से कोई एक, और जो आएगा मान लिया कि टेल आ चुका, तो जो आ जाएगा वो आपका रिजल्ट होगा। लेकिन
जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी, जो जो हो सकती हैं, उन सभी को हम बोलते हैं आउटकम्स। तो आउटकम्स क्या है? किसी भी प्रोसेस से जुड़ी हुई वो सारी पॉसिबिलिटीज जो उस प्रोसेस की वजह से हो सकती हैं, दोज ऑल पॉसिबिलिटीज आर कॉल्ड आउटकम्स। अब हमें आउटकम्स का पता लग गया, ट्रायल का पता लग गया। अब हम एक और वर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अब हम इसके अंदर एग्जांपल ले लेते हैं क्रिकेट मैच का। क्रिकेट मैच, इसके अंदर देखा जाए तो हर एक बॉल को अगर अलग अलग पढ़े तो हर एक बॉल ट्राई की तरह काम करती है, क्योंकि हर एक बॉल के ऊपर हमें पता तो है या तो सिक्स लग सकता है, फोर लग सकता है, या आउट हो सकता है, लेकिन हर एक बॉल का रिजल्ट तो अननोन ही है, क्योंकि हमें तो नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या होगा। लेकिन जब ट्रायल की बात करी जाए वो तो एक बार ही कराया जाता है, लेकिन अगर हम क्रिकेट मैच की बात करें तो इसमें ऐसे कितने ट्रायल हैं? ऐसे बहुत सारे ट्रायल हैं। किसी मैच के अंदर 300 टाइम्स बॉल फेंकते हैं, किसी के अंदर 200 टाइम्स, अलग अलग टाइम्स बॉल फेंकते हैं। तो यानी कि जब ट्रायल रिपीट कराया जाए, जब ट्रायल को बार बार क्या किया जाए, रिपीट किया जाए, तो आपके पास में जो भी प्रोसेस होगी उसे ट्रायल नहीं, अब उसे हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जब नंबर ऑफ ट्रायल्स रिपीट किए जाएं तो उसे हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब ट्रायल के अंदर भी आउटकम्स होते हैं, तो ऑब्वियस बात है एक्सपेरिमेंट में ट्रायल्स हैं और ट्रायल्स के अंदर आउटकम्स हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक्सपेरिमेंट के अंदर भी आउटकम्स हैं। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर आउटकम्स हैं तो ऑब्वियस बात है एक्सपेरिमेंट का भी कोई ना कोई रिजल्ट रहता होगा। बिल्कुल, जैसे एक्सपेरिमेंट के आउटकम और रिजल्ट हैं, वैसे जैसे ट्रायल के होते हैं, वैसे एक्सपेरिमेंट के आउटकम तो हमें शुरू से पता होते हैं, लेकिन वही बात की रिजल्ट हमें नहीं पता होता, क्योंकि रिजल्ट या तो एक्सपेरिमेंट या प्रोसेस दोनों के टर्मिनेट होने के बाद पता लगता है। तो जब तक एक्सपेरिमेंट चल रहा है तब तक हम सिर्फ और सिर्फ आउटकम्स के बारे जानते हैं, लेकिन जैसे एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ रिजल्ट हमारे सामने होगा। रिजल्ट यूनिक होता है और जो आउटकम्स होती हैं वो आपकी यूनिक नहीं होती हैं। अब ये जितनी भी आउटकम्स हैं इनके साथ प्रोबेबिलिटी की क्या रिलेशन है उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। ये मामली सा बेसिक था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है अपने पास में कि जी सैंपल स्पेस, ये क्या चीज है प्रोबेबिलिटी के अंदर? सैंपल स्पेस एक्चुअल के अंदर एक सेट है, सैंपल स्पेस, जिसमें हमने सैंपलिंग करी है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है सैंपल स्पेस। इसके अंदर हमने सैंपलिंग करी है, किन चीजों की सैंपलिंग करी है उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास एक कॉइन है जिसके एक साइड हेड और एक साइड टेल। अब मेरी इसकी जो पॉसिबिलिटी है मैं जब इसको टॉस करूंगा, जो पॉसिबिलिटीज है वो ये है कि या तो ये आउटकम हेड आएगी रिजल्ट के फेज में, या आउटकम जो होगी वो टेल आएगी रिजल्ट की फेज में, इसके अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एक सिक्के को उछालने पे जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ये दो हैं। मैंने इन दोनों पॉसिबिलिटीज को सेट के अंदर बंद कर लिया तो ये जो सेट बना, इस सेट को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। पर ये सैंपल स्पेस कब है? जब एक सिक्के को टॉस किया गया एक बार, जब एक सिक्के को टॉस किया गया एक बार, तब ये सैंपल स्पेस है। तो क्या ऐसे दो बार टॉस करते हैं, तीन बार टॉस करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? ऑफकोर्स पड़ता है। या दो सिक्के एक बार टॉस करें तो क्या फर्क पड़ता है? ऑफकोर्स पड़ता है। तो फिर हम सैंपल स्पेस की क्या अलग अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे? नहीं, सैंपल स्पेस से मतलब सिर्फ इतना है कोई भी एक्सपेरिमेंट है या कोई भी प्रोसेस है या कोई भी ट्रायल है, उसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं उन सभी का एक सेट बनाओ, उस सेट को अपने सैंपल स्पेस का नाम दे देना है। लेकिन वो सेट अलग अलग एक्सपेरिमेंट पे, अलग अलग प्रोसेस पे डिपेंड होके अलग अलग तरह का बनेगा। जैसे कि अभी हम एक डेफिनेशन हम पढ़ चुके कि सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस और कुछ नहीं है जी, एक सेट है। किस से रिलेटेड है ये? किसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है या किसी प्रोसेस से रिलेटेड है जो कंटेन करता है, जो कंटेन करता है, किसको कंटेन करता है? ऑल पॉसिबिलिटीज विच कैन अकर, सारी की सारी पॉसिबिलिटी जो हो सकती हैं, विच अकर इन एक्सपेरिमेंट
और ट्रायल और प्रोसेस जो किसी एक्सपेरिमेंट ट्रायल और प्रोसेस के अंदर हो सकती हैं, उन सभी को कंटेन करता है वो सारी पॉसिबिलिटीज जो किसी ट्रायल में किसी एक्सपेरिमेंट में हो सकती हैं, उन सभी को कंटेन करने वाला एक सेट क्या है, सैंपल स्पेस। अभी सैंपल स्पेस की फॉर्मेशन कैसे करें, हाउ टू फॉर्म सैंपल स्पेस, फॉर्मेशन ऑफ सैंपल स्पेस, ये हमारे पास काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ सैंपल स्पेस, जिसमें बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सैंपल स्पेस, मान लिया कि मैंने एक सिक्का है, हिंदी में लिख रहा हूं ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए, एक सिक्का यहां पे मैं उसको थ्रो कर रहा हूं दो बार, और दूसरा है दो सिक्के एक बार थ्रो करना, दो सिक्के एक बार थ्रो करना, हमने इस केस का भी सैंपल स्पेस बनाना है, इस केस के सैंपल स्पेस को S1 दे दिया, इस केस के सैंपल स्पेस को S2 नाम दे, ये सैंपल स्पेस बने कैसे, सैंपल स्पेस मैंने बताया था कि सैंपल स्पेस और कुछ नहीं है जी, ये एक सेट है जो सारी पॉसिबल आउटकम्स को कंटेन करता है, जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको कंटेन करता है, लेकिन समस्या ये है कि हमें क्या पता कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं, कि तीन होंगी चार होंगी, हम इसमें कहीं कुछ भूल ना जाए, तो उसको चेक कैसे करें, उसके लिए हम पहले एक लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस वो आप कैसे करोगे, आप नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी चेक करोगे इन ट्रायल, इसके अंदर चेक करोगे ट्रायल के अंदर, और उसकी पावर करोगे जितनी बार करना है, यानी जितनी बार प्रोसेस करनी है, या तो वो पावर में करेंगे जितनी बार प्रोसेस करनी है, या पावर में हम करेंगे जितने ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे दो सिक्के हैं या तीन सिक्के हैं, या जितने ऑब्जेक्ट होंगे वो पावर में कर देंगे, जैसे एक सिक्का दो बार उछालना है तो आप देखो एक सिक्के पे कितने आउटकम है, एक सिक्के में हमें पता है एक तो हेड हो सकता है या टेल, दो हैं, अब ये एक सिक्का है कितनी बार किया गया, दो बार, तो यहाँ पे प्रोसेस बड़ी है, प्रोसेस कितनी बार करी गई, दो बार, एक सिक्के में देख लिया पॉसिबिलिटीज, देखी एक ट्रायल में कितनी है, कितनी बार प्रोसेस, दो बार, तो पावर कितनी हो जाएगी 2 raised to power 2, क्योंकि जितनी बार प्रोसेस है वो पावर में, प्रोसेस कितनी है दो बार, तो कितना आएगा 4, यानी कि जो S1 है यानी एक सिक्के को दो बार जो उछालना है उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, उसमें एलिमेंट आएंगे 4, ठीक है, अब ये 4 एलिमेंट कैसे आएंगे, वो देखो एक सिक्का है दो बार उछालना है, पहली बार उछाला हो सकता है हेड आ गया, दूसरी बार उछाला हो सकता है तब भी हेड आ गया, या ये भी हो सकता है पहली बार उछाला तब हेड आ गया, दूसरी बार उछाला टेल आ गया, या ये भी हो सकता है पहली बार उछाला टेल आ गया, दूसरी बार उछाला हेड आ गया, या ये भी हो सकता है पहली बार भी टेल आ गया दूसरी बार भी टेल, ये चार पॉसिबिलिटीज हैं। अब मैं इनको नोट कैसे करता हूँ, इस तरह से जी S1 बना रहा, हो सकता है पहली बार भी हेड दूसरी बार भी हेड, या पहली बार हेड फिर टेल, या फिर टेल हेड एंड टेल एंड टेल, ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब S2 बनाते हैं एक बारी और इनमें डिफरेंस देखेंगे कि एक सिक्के को दो बार उछालना है, दो सिक्के को एक बार उछालना है, इसमें कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। तो मैंने अब S1 बना दिया जिसमें सिक्का एक था दो बार उछाला गया, तो उसमें बना सैंपल स्पेस हेड 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 टेल टेल हेड या टेल। अब जो S2 है उसके अंदर क्या है, इसमें भी पहले मैं ये देखूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो S2 पहले तो आप एक ट्रायल में देखोगे फॉर्मूले के हिसाब से, दो सिक्के हैं पर ट्रायल में कितना होगा एक, तो एक सिक्के का आउटकम कितनी हुई दो। अब कितने ऑब्जेक्ट हैं या कितनी प्रोसेस है, प्रोसेस तो एक बार है तो प्रोसेस तो आएगी नहीं पावर में, तो जो बड़ी होगी वो आएगी, तो जो बड़ा कौन है, ऑब्जेक्ट कितने हैं, ऑब्जेक्ट बढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट कितने हैं दो, तो पावर में क्या कर दो, या तो ऑब्जेक्ट करने हैं पावर या प्रोसेस करनी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ज्यादा थे क्योंकि सिक्के दो थे, तो मैंने एक ट्रायल में देखा कितने आउटकम है और उसकी पावर में कर दिए जी जितने ऑब्जेक्ट थे, कितने ऑब्जेक्ट थे दो, तो S2 के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, S2 के अंदर एलिमेंट आएंगे 4, यहाँ पे भी 4 आएंगे, पर यहाँ पे देखना है दो सिक्के हैं उछालने एक बार, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैसे, दो सिक्के पहले ऐसा बोला था एक सिक्का,
पहली बार, दूसरी बार। अब क्या है, दो सिक्के एक बार, तो जैसे दो सिक्के एक बार गए दोनों नीचे गिरे, हो सकता है इस पे भी हेड हो इस पे भी हेड हो, या दोनों सिक्के नीचे गिरे इस पे हेड हो इस पे टेल हो, या दोनों सिक्के नीचे गिरे इस पे हेड हो इस पे टेल हो, या दोनों सिक्के नीचे गिरे इस पे भी टेल हो इस पे भी टेल हो, यानी कि इसमें भी उसी तरह के एलिमेंट आएंगे। तो मैं इसको मैं लिख रहा हूं इस तरह से, हो सकता है पहले पे भी हेड दूसरे पे भी हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, एंड पहले पे टेल एंड दूसरे पे टेल। तो फर्क क्या है, यहां पे मेरा एक सिक्का था और उसको उछाला गया था दो बार, और यहां पे था जी दो सिक्के थे और उछाले गए एक बार, तो सैंपल स्पेस में फर्क कहां हुआ, ये सैंपल स्पेस तो सेम बन गया, फर्क यहां है। जब इसको पढ़ेंगे ये सिक्का एक ही है, लेकिन ये सिक्के की पहली बार जब उछाला गया तब उस पे हेड आया, और ये सिक्के को जब दूसरी बार उछाला गया तब हेड आया। सिमिलरली हेड टेल में भी, पहली बार तो हेड आया एंड दूसरी बार टेल आया। तो इसमें क्या है, इसमें सिक्के दो हैं, इसमें बार नहीं आएगा, इसमें ऐसे पढ़ेंगे ये पहले सिक्के पर हेड आया और ये जी आपका दूसरे सिक्के पर हेड आया। तो वैसे तो सेम है सैंपल स्पेस, लेकिन पढ़ने का जो नजरिया है वो अलग है। वो कैसे, यहाँ पे एक सिक्का दो बार था तो पहली बार भी हेड दूसरी बार भी हेड, यहाँ पे दो सिक्के हैं पहले सिक्के पर भी हेड दूसरे सिक्के पर भी हेड, ये फर्क पड़ा, बाकी कोई फर्क नहीं है, सिर्फ पढ़ने में फर्क पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस बनाने के लिए हमें पता कैसे लगेगा कि कितने एलिमेंट आएंगे, आप क्या करोगे, आप नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ये देखोगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं किसके अंदर, एक ट्रायल के अंदर, फिर आप वो पावर में कर दोगे, या तो जितनी बार प्रोसेस करनी है जो भी बड़ी होगी, या तो प्रोसेस बड़ी होगी या ऑब्जेक्ट के नंबर बड़े होंगे, जो भी बड़े होंगे वो कर लेंगे पावर में, या ऑब्जेक्ट कितने हैं वो आपको पावर में करने हैं। जैसे यहाँ पे एक सिक्का दो बार उछाला गया तो एक सिक्के का आउटकम कितने, दो, कितनी बार उछाला गया दो बार, तो कितना आएगा चार, या दो सिक्के एक बार, एक सिक्के पे कितना आउटकम दो, और ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट क्यों है क्योंकि सिक्के दो हैं, वो भी पावर में, यहाँ पे भी कितने आएंगे चार, सैंपल स्पेस बना सेम लेकिन पढ़ने का नजरिया अलग अलग हो गया। तो यह है सैंपल स्पेस की फॉर्मेशन। अब सैंपल स्पेस तो बना लेंगे, एक और बना के देख लेते हैं कि मान लेते हैं एक डाइस को दो बार उछालना है और दूसरा बनाओ जब दो डाइस एक बार उछाले जाए, एक तो एक डाइस को दो बार उछालना है और एक दो डाइस को एक बार उछालना है। मान लेते हैं S1 जो है वो है कि एक डाइस है और उसको दो बार उछालना है, तो उसका जो सैंपल स्पेस है वो S1 बनेगा। उसमें क्या होगा, एक आप ये कोशिश करेंगे कि जो आपका सैंपल स्पेस है वो सिमेट्री से शुरू हो, सिमेट्री पे खत्म हो। कैसे, जैसे एक डाइस है दो बार उछालना है, पहले देखते हैं एलिमेंट कितने आएंगे, तो पहले आप एक ट्रायल पे देखो, ट्रायल यहाँ पे कौन है डाइस, एक डाइस, एक डाइस पे कितने आउटकम होती हैं छह, कितनी बार करना दो बार, तो इसमें कितने आएंगे 36। हो सकता है पहली बार भी वन आ गया हो कोमा दूसरी बार भी, कोमा पहली बार वन आ गया हो दूसरी बार टू आ गया हो, सिमिलरली पहली बार वन आ गया हो देन सिक्स आ गया हो, फिर टू वाली लाइन टू वन से टू सिक्स तक, एंड ऐसे चलते चलते सिक्स तक लाइन अपनी चले गए। एक में छह है, सिक्स बाय सिक्स की मैट्रिक्स है, 36 एलिमेंट्स हो गए। अब हमने सिमिट्री का जिक्र किया, जो भी आपका सैंपल स्पेस है वो करेक्ट तब माना जाता है, अच्छे से फॉर्मेशन में तब होता है जब वो सिमिट्री से शुरू हो, जैसे वन वन से शुरू हो रहा है और सिमिट्री पे खत्म हो जैसे सिक्स सिक्स। यहाँ पे पढ़ने का नजरिया क्या है, एक डाइस है, डाइस एक ही है, उछाला दो बार गया, तो ये पहली बार वन एंड ये दूसरी बार, इसको तो ऐसे पढ़ना है ये पहली बार है जी और ये आपका है दूसरी बार। और जब दो डाइस एक बार उछाले जाए तो अब डाइस दो हैं और उछाले एक बार जा रहे हैं तो क्या होगा, तो इसका सैंपल स्पेस H2 मान लिया, इसमें देखते हैं कितने एलिमेंट आएंगे H2। आप ट्रायल देखो, ट्रायल में आप देखोगे ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट डाइस है, डाइस पे कितने होते हैं छह, कितनी बार किया गया बार तो एक ही किया गया, तो क्या ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट कितने हैं दो, इसमें भी कितने आएंगे 36। सैंपल स्पेस तो फिर वही बनेगा लेकिन पढ़ने का नजरिया अलग, वन वन यहाँ पे एक डाइस दो बार नहीं है, यहाँ पे दो डाइस एक बार है, तो ये पहले डाइस पर और ये आपका
दूसरे डाइस पर, और इसी तरह से करते हुए हम 6-6 तक पहुंचे। ये है हमारी फॉर्मेशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस के बाद में एक छोटा सा आर्टिकल और है, वो और डिस्कस करेंगे और फिर देखते हैं आगे का प्रोसेस। इसके बाद में जो मेन हमारे पास में क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए, वो आएगा इवेंट का। हमें समझना पड़ेगा कि इवेंट क्या चीज है। हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या क्या समझ लिया, हमने समझ लिया ट्राई क्या होता है, हमने ये समझ लिया कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हमने ये समझ लिया कि सैंपल स्पेस क्या होता है। अब हम एक और समझ लेते हैं कि इवेंट क्या चीजें हैं। इवेंट इवेंट और कुछ नहीं है, जैसे कि सैंपल स्पेस एक सेट है, उसके अंदर सारी आउटकम्स हैं, उसमें से मैंने एक छोटा सेट बनाना है, या उसके जितना भी हो सकता है, नो डाउट मैंने उसमें से बनाना है, किसमें से, सैंपल स्पेस में से एक और सेट बनाना है जिसमें मैं अपने डिजायर्ड एलिमेंट्स रखूंगा, यानी कि जिनकी मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ वो एलिमेंट रखूंगा, और उस नए सेट को मैं बोलूंगा इवेंट। तो इवेंट का है, हम ऐसे कह सकते हैं इट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये सबसेट है, सबसेट बनाया गया है, किससे बनाया गया है, सैंपल स्पेस से, विच कंटेन्स, जो कंटेन करता है, किसको कंटेन करता है, डिजायर्ड आउटकम्स या डिजायर्ड पॉसिबिलिटीज। वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन राइट डिजायर्ड पॉसिबिलिटीज को क्या करता है, ये कंटेन करता है। यानी कि हमने एस बना दिया, एस में से एक छोटा सेट बना लिया, ई एफ जी जो मर्जी नाम देंगे, और इस ई को हम बोलेंगे इवेंट। इस ई को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। और ये इवेंट बना किसमें से है, सैंपल स्पेस में से। सैंपल स्पेस में क्या होगा, सैंपल स्पेस में तो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, तो इवेंट में क्या होगा, इवेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड पॉसिबिलिटीज होंगी। कौन सी पॉसिबिलिटीज, डिजायर्ड जिनकी हमें इच्छा है। जैसे मैंने कहा कि एक डाइस को दो बार उछाला, तो आपने सैंपल स्पेस बना लिया, कहां से शुरू करते हुए, 1-1 से शुरू करते हुए कहां तक बना लिया, 6-6 तक। फिर मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज इवन नंबर, जो आपका सम हो वो इवन नंबर हो। तो आप अपने डिजायर देखो, डिजायर है कि सम कैसा चाहिए, सम चाहिए इवन नंबर। तो आप इस सैंपल स्पेस में से एक इवेंट बनाओ ई नाम का, जिसमें सिर्फ वही पेयर लिखो जिनका सम जो हो इवन नंबर, लाइक 1-1, 1-1, 2-1, 1-3, 4-1, ऐसे हम लिख लेंगे। तो ये जो ई है, ये इवेंट है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट आए, इसके अंदर सैंपल स्पेस में से वही एलिमेंट आए जो हमारी इच्छा में थे, यानी कि यहाँ पे इच्छा थी सम होना चाहिए इवन नंबर। जब दो डाइस को उछाला गया, एक डाइस को दो बार उछाला गया, तो हमने सैंपल स्पेस बनाया, फिर हमने इवेंट ये बनाना था कि सम क्या होना चाहिए इवन नंबर। तो इस सैंपल स्पेस में से वो सिलेक्ट करके एक नया सेट बना लिया ई नाम का, इसके अंदर जो हमारा सम था वो कैसा चाहिए था, इवन नंबर। अब एक छोटा सा आर्टिकल है, वो और करके फिर आज की वीडियो एंड करेंगे। जब भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, हम इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। ये बहुत अच्छा रिमार्क है जो हम यूज कर सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी हमेशा किसकी निकाल लेंगे, इवेंट की निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इवेंट फॉर्मेशन करेंगे और सैंपल स्पेस फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद में जो आपकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन होगी बड़ी ही इजी रह जाएगी। सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बनाओगे, फिर डिजायर्ड एलिमेंट्स का क्या बनाओगे, इवेंट बनाओगे, और प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की निकलेगी। प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट ई की निकलेगी, ई मैंने एक बार ऐसे नाम दे दिया। वो निकलेगी कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देखोगे इवेंट के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट जो आपने बनाया उसमें देखोगे कितने एलिमेंट्स हैं, और उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। जैसे मैंने कहा एक सिक्का दो बार उछाला जाएगा, एक सिक्का है दो बार उछाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट टू हेड्स, वी गेट
टू हेड्स की हमारे पास दो हेड आएंगे, तो पहले सैंपल स्पेस एक सिक्का कितनी बार उछाला गया, दो बार, तो सैंपल स्पेस कितने होंगे, चार होंगे ना, हेड 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 टेल टेल हेड एंड देन टेल टेल, फिर इवेंट इवेंट बनेगा मानिए ई नाम का, और ई नाम का जो इवेंट है वो इस बात का है कि हमें कौन सा मिलेगा, दो हेड मिलेंगे, बनाना किस में से, सैंपल स्पेस में से, सैंपल स्पेस में से वो बंदे उठाओ, वो एलिमेंट उठाओ जिसमें दो हेड है, कितने हैं, एक ही है, तो हमने तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस बात की, टू हेड वाले के लिए हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की, और प्रोबेबिलिटी ई की निकालने का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, ई में कितने मेंबर हैं, ई में तो एक ही पॉसिबिलिटी है, वन, सैंपल स्पेस में कितनी पॉसिबिलिटी है, फोर, तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, वन बाय फोर। तो इवेंट बनाएंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे, क्योंकि इवेंट कभी भी सैंपल स्पेस से बड़ा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सैंपल स्पेस से तो बनाना है, ज्यादा से ज्यादा इवेंट सैंपल स्पेस के इक्वल हो सकता है, और जब इवेंट सैंपल स्पेस के इक्वल होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस दोनों हो जाएंगे सेम, सेम हो जाएंगे, तो कैंसिल हो गए, जो टोटल प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा वो कितना आएगा, वन आएगा, इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी हम वन बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी का एक्यूरेट आंसर जो होगा वो वन से हमेशा छोटा होगा, वन सिर्फ तभी हो सकता है जब इवेंट सैंपल स्पेस के इक्वल है, अदरवाइज नहीं। अब हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखनी है, कुछ रिमार्क्स भी लिखने हैं, कुछ पॉइंट्स भी लिखने हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। आज वाली वीडियोस के अंदर जो देखा हमने कि ट्रायल क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस की फॉर्मेशन सीखी, इवेंट सीखे, प्रोबेबिलिटी इवेंट की निकालनी सीखी, और इवेंट कभी भी सैंपल स्पेस से बड़ा नहीं हो सकता, इवेंट हमेशा कंटेन्ड होगा किसके अंदर, एस के अंदर, यानी कि जिसकी वजह से ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो इसी बात की है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस दोनों सेम हो सकते हैं, और जब भी सेम होंगे तब टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी, और वो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वन, यानी प्रोबेबिलिटी कभी भी वन को एक्सीड नहीं करेगी। तो ये आज की वीडियो के लिए था, आशा करता हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे आपको लगे कि आपने काफ़ी कुछ नॉलेज सीखी, कुछ डिफ्रेंशिएट मिला नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से हटके, कुछ थोड़ा कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।